बसंत ऋतु के आगमन में इस फूल ने पहाड़ों में और ज़्यादा खूबसूरती बनाई है और पर्यटन को बढ़ावा दिया है। तो जनवरी से मार्च तक का खिलने वाला ये बुरांस, तो जानते हैं इसके बारे में। और उत्तराखंड का दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ दिन के 12 बजे से, क्योंकि थोड़ा सा आजकल ना बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, यानी कि मार्च का महीना है, तो बहुत सारे काम ना पूरे टारगेट पे रखे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम समय हो पा रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या होता है। फिलहाल तो मैं हूँ अपने ऑफिस में, ऑफिस से निकल रही हूँ फील्ड के लिए, क्योंकि हमारा जो मार्च में मेन काम है ना, वो ये है कि होली भी आ गई, तो लोग होली के टाइम पे भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। और फिर जो अभी हमारा आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो वुमेन्स डे की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, तो आपको मेरे ब्लॉग के जरिए वो भी देखने को मिलेगा। तो आजकल हो रही है उसी की तैयारी, की लेटर बांटना है या जो भी काम है वो हम कर रहे हैं। तो फिर दिखाते हैं आज के ब्लॉग में आपको क्या देखने को मिलता है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। और तो अभी जा रही हूँ मैं फिलहाल मार्केट की तरफ और फील्ड की तरफ, पर जो भी होगा आप बने रहिए, ठीक है, मिलते हैं आपको। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, और आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे बहुत सारे सुंदर से फूल खिले हैं। तो उत्तराखंड में आजकल, मतलब पूरे जंगलों में कहें, घाटियों में कहें, गांव में कहें, तो इस फूल ने चार चांद लगाए हैं। तो ये फूल उत्तराखंड राज्य का ब्रेक्स है, बुरांस, आपने सुना होगा। तो अभी बसंत ऋतु के आगमन में इस फूल ने पहाड़ों में और ज़्यादा खूबसूरती बनाई है और पर्यटन को बढ़ावा दिया है। तो जनवरी से मार्च तक का खिलने वाला ये बुरांस, तो जानते हैं इसके बारे में। और उत्तराखंड का खिलता हुआ गुलाब कहें इसे, तो ये है सुंदर सा बुरांस। तो इसके बारे में आज मैं दिखाऊंगी आपको कि उत्तराखंड में अभी बहुत ज़्यादा बुरांस पहाड़ों में खिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं फिर बुरांस को। तो दोस्तों, जो ये बुरांस है इसको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन। तो ये जो है, ये इसे ग्रीक शब्दों में लिखा है, रोडो का मतलब है गुलाबी फूल और डेंड्रोन का मतलब है कि वृक्ष। तो पहाड़ों में बहुत टाइप का स्पेसिफिक बुरांस भी पाया जाता है, लेकिन जो पहाड़ों में ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको, गुलाबी रंग का ये बुरांस देखने को मिलेगा। और अभी तो इसे IIT साइंटिस्ट ने कोविड में वायरल को रोकने के लिए भी इसका दावा किया है। और अभी इसका क्या है कि पहाड़ में बहुत ज़्यादा इनकम जनरेशन भी ये बुरांस दे रहा है लोगों को। तो सबसे पहले इसका बताती हूँ कि क्या बनता है इसका। अभी जो बन रहा है वो बुरांस की पंखुड़ियों से जूस, स्क्वेश, चटनी, और जो सबसे बड़ी चीज़ बन रही है इसकी, बुरांस की चाय। तो एक तो ये है कि जो श्वास के लोग हैं, मतलब जो श्वास से पीड़ित लोग हैं, तो उनके लिए ये कारगर है और हड्डियों को मजबूत करता है, और साथ में बहुत सारे जो एंटीवायरल दिक्कतें हैं, जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये है बुरांस की खास बात। और जो, और इसके साथ साथ इसकी सुंदरता का तो क्या कहना। और पहाड़ों में आजकल बुरांस के साथ साथ और चीज़ें भी खिली हुई हैं, और जो ये पीरियड है, ये बसंत आगमन और उत्तराखंड की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा चार चांद लगा रहा है। तो अभी इसके साथ है फ्यूली और कुछ अलग अलग टाइप के फूल, तो जो अभी यहाँ पर खिल रहे हैं, तो उनमें से अभी जो बुरांस ने अपनी एक खास पहचान बनाई हुई है, और राज्य वृक्ष भी है हमारा बुरांस। तो बुरांस अभी पहाड़ों को बहुत ज़्यादा खूबसूरती दे रहा है। तो ये है पहाड़ों में बुरांस। तो देखते हैं फिर बुरांस, और सारे जंगल आजकल पूरे बुरांस से सुर्ख लाल हो चुके हैं। तो आज मुझे देखते ही बुरांस की, जैसे ही हर रोज़ देख रहे हैं हम बुरांस को, तो बुरांस बहुत ज़्यादा खिला हुआ है इस बार। और अभी जो लास्ट ईयर था वो बुरांस की जो पैदावार थी बहुत कम थी, लेकिन इस बार हमारा जनवरी से बुरांस खिल रहा है, और जो इसका पीरियड है वो है जनवरी से मार्च तक। और बहुत सुंदर लग रहा है आजकल हर जगह बुरांस ही बुरांस, बुरांस ही बुरांस। तो आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ों को इतना खूबसूरत किया हुआ है बुरांस ने, उस तरफ भी बुरांस हैं, और जहाँ देखो वहाँ आजकल बुरांस ही हैं। तो ये मतलब कि भारत के पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसके साथ एशिया में, नेपाल में, और बहुत सारे जहाँ पे ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बुरांस की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। और बुरांस हमारे उत्तराखंड का बहुत खूबसूरत सा फूल है, जिसे हर रोज़ हम देखते हैं, और इसकी झलकियाँ पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो ये है बुरांस की खूबसूरती।
तो दोस्तों ये है बुरांस का पेड़, और ये अजूबों में से एक अजूबा समझिए इसको, क्योंकि जो रोडोडेंड्रोन है यानी कि बुरांस, तो ये उत्तराखंड का वृक्ष है, राज्य वृक्ष है, और अभी इतना सुंदर खिला हुआ है पूरे पेड़ों में, और बसंत ऋतु में खासकर अभी पूरा एक ताजा और आकर्षक बना हुआ है पहाड़ों के लिए। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना वाले ऑफिस में, तो यहाँ पे हैं वंदना जी, तो इनको देखा होगा हमारी पहली वीडियो में, और उधर हैं सर, और इधर हैं पंकज, तो इनके अलग अलग काम हैं, मतलब कि जैसे ये कंप्यूटर वाला देखते हैं, और सर जो है वो मैनेजमेंट करते हैं, और पंकू को जो काम दिया है वो क्या है पंकज को, वो तो यहाँ पे जानते हैं सेंटर में क्या क्या होना है। और आज यहाँ पे हमारी पार्टी शार्टी भी हो रही है, यानी कि इन्होंने सबसे पहले सैंडविच बना रखा है, तो इसका टेस्ट लेंगे हम। तो आप बताओ क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी चार अलग अलग तरीके के कोर्स चलते हैं, इसमें हमारा पहला है कम्युनिकेशन, जो मैं पढ़ाती हूँ। हाँ, फिर हमारे पास फूड प्रोसेसिंग का कोर्स है, हमारे पास कंप्यूटर का कोर्स है, बेसिक कोर्स है, और हमारे पास स्टिचिंग का कोर्स है। तो अभी मैम हमारे वहाँ आज पहली बार आ रही है, तो मैम को हमने फूड प्रोसेसिंग वाले सर की आज पहले जो प्रैक्टिकल क्लास थी उसमें हम डिस हमने आज सैंडविच बनवाया, तो ये मैं आई हूँ पहले खाने के लिए ना, ये है। पर यहाँ के लिए अच्छा है कि यहाँ के एरिया के बच्चे जो हैं यहाँ पे सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वो सबसे बड़ी बात है। तो हम सैंडविच और चाय का मजा लेते हैं, तो फिर बने रहिए आप भी। तो दोस्तों फिलहाल तो आजकल मेरा फील्ड का ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, क्योंकि मार्च का महीना है और आजकल हमारी तैयारियां चल रही हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए, तो आज हमको पूरा डेकोरेशन करना है अपने ऑफिस के लिए, तो तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। और आपको वुमेंस डे भी देखने को मिलेगा कि पहाड़ों में लोग कितने अच्छे से वुमेंस डे को ऑर्गेनाइज करते हैं और मनाते हैं, तो फिर आपको मेरे ब्लॉग के साथ बने रहना पड़ेगा। और साथ में क्या है ना कि आजकल दो तीन दिन से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी, वो इसलिए कि थोड़ा सा एक तो बिजी जो प्लान चल रहा था मेरा आजकल, और फिर शायद कि बने रहूँगी मैं आगे को ब्लॉग बनाने के लिए, बस यही होता है कि थोड़ा सा बिजी टाइमिंग रहती है तो फिर हो नहीं पाता है। तो आपका इतना प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक्स। लोग बोलते हैं कि आपने ब्लॉग नहीं डाला या नहीं बनाया, तो कोशिश करूँगी कि पर डे मेरा ब्लॉग आप तक पहुँचे। तो फिर इसी प्यार और सपोर्ट के साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर हाँ तो आप लाइक कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक अलग से ब्लॉग के साथ और नए दिन के साथ, तब तक ले बाय बाय।